हेलो माई डियर फ्रेंड्स आई एम रोशनी एंड द टॉपिक दैट आई हैव चोजन फॉर ट डेज क्लास इज रिलेटेड टू प्रनाउन्स ओके देर आर टू प्रोनाउन्स दैट इज़ आई एंड मी ओके रिमेंबर आई एंड मी विच आर यूज इन एंड इन करेक्ट मैनर एंड वी डोंट रियलाइज़ हम लोग आई एंड मी को यूज़ तो करते हैं लेकिन कहाँ पर इसका यूज़ अच्छे से हो रहा है ग्रामेटिकली करेक्ट वे में और कहाँ नहीं हो रहा ये हम लोगों को पता भी नहीं चलता और जहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोग का बैड इम्प्रेशन जाता है जैसे इंटरव्यू में जाने के बाद में अगर हम लोग आई के जगह मी यूज़ कर दिए और मी के जगह आई तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों का इंग्लिश का स्टैंडर्ड कितना है और वहीं से उन लोग क्वाइटली साइलेंटली रिजेक्ट कर देते हैं हम लोगों का बायोडाटा और हम लोगों को पता नहीं चलता तो हम लोगों का ड्यूटी क्या है कि ग्रास रूट लेवल से हम लोगों को प्रिपेयर करना है इंटरव्यूज़ के लिए और फॉगेट अबाउट द इंटरव्यूज़ हम लोग जो बोलते हैं वो सब करेक्ट होना चाहिए जॉब मिलना न मिलना ये सेकेंडरी चीज़ है जो कन्वर्सेशन में हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश वर्ड्स वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए ये इसलिए क्योंकि जो हम लोग बोलेंगे वही हमारे अपकमिंग जनरेशन को रिपीट करना पड़ेगा नोइंगली अन वो, करेंगे वो रिपीट करेंगे ही टीचर्स जो बोलेंगे वही स्टूडेंट्स रिपीट करेंगे ठीक है तो ये हम लोगों का ड्यूटी है कि हम लोग करेक्ट इंग्लिश बोलें और यही पेरेंट लोगों पे भी अप्लाई होता है अगर वो गलत करते हैं तो उनके जो चिल्ड्रन हैं वो भी गलत करेंगे ठीक है तो ये ओनली टीचर का ड्यूटी नहीं है इट्स नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ अ टीचर who are teaching in this school but it is the responsibility it is a kind of social responsibility of the people to use correct english so that the people who are around us can benefit i hope intro of this i and me is clear to you all as i have already told i is a pronoun and me as well but when to use i and when to use me

यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है क्योंकि आई इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन ओके आई जो है वो काम कर रहा है और मी जो है वो काम को रिसीव कर रहा है इट इज़ रिसीविंग द एक्शन वेर एज़ आई इज डूइंग द एक्शन ये क्लियर होगा एग्ज़ाम्पल के थ्रू सो लेट मी शो यू एग्ज़ैम्पल Let's go through the first example. I called Roshni. I called Roshni. And next is Roshni called me. So here, I is the pronoun and this is the subject of the sentence. Why? Because I is doing the work, Roshni is receiving it. Okay. So here,

आई डूर ऑफ द एक्शन इसलिए चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आई होप यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई जो है वो काम कर रहा है ही इज डूइंग द एक्शन देफो दिस इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वेर एज इन दिस सेंटेंस रोशनी इज डूइंग द वर्क सो रोशनी इज द सब्जेक्ट एंड मी इज द ऑब्जेक्ट ओके एंड हियर रोशनी इज द ऑब्जेक्ट चलिए नेक्स्ट को देखते हैं और ये थ्योरी और ये रूल जो है वो हर जगह अप्लाई होता है जहां पे आई और मी हो ठीक है आई और मी हो क्योंकि आई जब भी सेंटेंस में आएगा वो डूअर ऑफ द एक्शन होगा वो काम करेगा और जहाँ पे भी मी होगा तो ये मी जो है वो रिसीव करेगा एक्शन को ठीक है रिसीव करेगा इसलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और ये सब्जेक्ट ओके दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं आई टॉक्ट टू श्याम आई इज सब्जेक्ट हियर एंड हियर श्याम टू मी सो ह्योर मी इज द ऑब्जेक्ट ओके अब यहाँ पर आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ कि ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी प्रेपोजिशन हो प्रनाउन के आगे ओके okay? प्रनाउन के आगे जब भी प्रेपोजिशन हो तो हमेशा वहाँ पे मी लगेगा आई नहीं लगेगा ओके okay? यहाँ पर प्रेपोजिशन प्लस मी जहाँ पे भी प्रेपोजिशन है उसके बाद आई कभी नहीं आएगा उसके बाद मी आएगा श्याम टॉक्ड टू मी यहाँ पे श्याम टॉक्ड टू आई नहीं होगा दैट विल बी रॉन्ग ओके सो ह्यो श्याम टॉक्ड टू मी टू है प्रेपोजिशन और मी प्रनाम जो है वो हम लोगों ने यूज किया चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद करने के लिए मैं बता दूँ कि जब भी टू यूज़ करेंगे उसके बाद आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट प्रनाउन ठीक है यह है ऑब्जेक्ट प्रनाउन और ये ऑब्जेक्ट प्रनाउन जो है वो जो सेंटेंस के लास्ट में आता है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट तो ये दूसरा क्लू है जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है सेंटेंस में और कौन सा ऑब्जेक्ट है ये एग्जामिनेशन में भी पूछ सकते हैं आपको एक सेंटेंस का एग्जाम्पल दे के कि फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस ओके सपोज ये दे दिया आपको कि फ़ाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस तो आप क्या बोलोगे मी अगर बोल दिया कि आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है तो ये रोशनी क्योंकि ये सबसे पहले है और मी लास्ट में तो आपको यही ध्यान में रखना है सब्जेक्ट जो है हमेशा आगे आएगा ये एक क्लू uh, है आपके लिए और मी दैट इज ऑब्जेक्ट प्रनाउन जो है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है ठीक है अब देखिए यहाँ तक तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था एक ही ऑब्जेक्ट था लेकिन हम लोग वहाँ पे मिस्टेक करते हैं जहाँ पे कि दो सब्जेक्ट्स हो यहाँ पे देखिए कल्पना एंड आई ये दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि यूजुअली क्या होता है सोशल मीडिया से लेके जो होस्ट host, होस्टिंग करते हैं जो प्रोग्राम होस्ट करते हैं उन लोगों से भी ये गलती हो जाती है यहाँ पे हम लोग कल्पना एंड मी नहीं बोलेंगे कल्पना एंड आई आर फ्रेंड्स ठीक है आप एक बार फिर से उच्चारण करके देखिए इसको यू जस्ट प्रनाउंस इट वंस कल्पना एंड मी आर फ्रेंड्स ये भी टू सम एक्सटेंट कानों को हैबिचुएट uh, हो गया है हम लोगों का कान इन सब को सुनने के लिए लेकिन वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है कल्पना एंड आई नॉट कल्पना एंड मी ओके फ्रेंड्स यहाँ पर एक और मैं तरीका बताती हूँ जिससे कि आपका मिस्टेक नहीं होगा जैसे मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के सबसे पहले आता है है ना तो आप एक काम कीजिए ये जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसको हटा दीजिए तब रीड कीजिए अपने सेंटेंस को कल्पना एंड आई आर फ्रेंड्स ये करेक्ट है लेकिन अगर आपको चेक करना है कि मुझे यहाँ पे मी लगाना है या आई लगाना है तो एक और तरीका है जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ये जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग सेकेंड सब्जेक्ट वो करेक्टली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं तो इसके लिए क्या करना है आपको जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसको बंद कर दीजिए बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए ठीक है उसको हाइड कर दीजिए अब देखिए सेंटेंस को यहाँ पे मी से तो कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा है ना इसलिए हमको आई यूज़ करना है इसलिए जब दो सब्जेक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं तब भी यहाँ पे आई ही होगा मी नहीं होगा कल्पना एंड आई आर फ्रेंड्स दिस इज करेक्ट ठीक है लेकिन जब हम लोग रिसीव करते हैं तब कैसा होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर ये देखते हैं क्योंकि यहां पे तो हम लोगों ने कंपाउंड सब्जेक्ट को देखा अब यहां पे कंपाउंड ऑब्जेक्ट को देखते हैं ओके okay? चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस द गिफ्ट इज फ्रॉम कल्पना एंड मी द गिफ्ट इज फ्रॉम कल्पना एंड मी यहां पे क्या लगाना है मी ये क्यों हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है फ्रॉम है कि नहीं फ्रॉम आफ्टर बिफोर टू इन एट ये सभी प्रपोजिशंस हैं तो मैंने कहा था यहाँ पे आप लोगों को अगर आपको याद है तो कि प्रपोजिशन के बाद में हम लोगों को मी लगाना है हमेशा ठीक है ये एक क्लू है प्रेपोजिशन है तो उसके साथ में मी जाएगा नॉट आई तो चेक करने के लिए एक बार हम लोग इसको हाइड कर देते हैं द गिफ्ट इज फ्रॉम आई ये सूटेबल है नहीं है है ना द गिफ्ट इज फ्रॉम आई विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग सो द गिफ्ट इज फ्रॉम मी विल बी करेक्ट ओके तो अगर हमको सभी सेंटेंस देखना है तो हम लोग बोलेंगे द गिफ्ट इज फ्रॉम कल्पना एंड मी ओके तो जब भी प्रेपोजिशन हो आपको यूज करना है मी प्लीज कीप इन माइंड Let's look at another example. Mina and I had lunch. Mina and I had lunch, Mina subject, I subject again and both of them had lunch. So here we don't use me. We use I I and Mina had lunch. So here uh, let me tell you that when you hide Mina and and, what do you get I had lunch? This is correct, not me had lunch. Okay, are you getting my point? Me had lunch, we never say that is never heard by our ears, right? So instead of doing that, you have to check it once by hiding the first subject. Then we will read out the sentence and see whether it is correct or not. And we found that me had lunch is not suitable at all. Therefore, we use I had lunch. Now, let's see. The sentence with object. They promoted Mina and me. They promoted, they could be anyone, the company members or management, anyone. They promoted Mina and me, not I. Okay, Mina and me. So here the subject is they and Mina and me. These are objects. Okay, object pronouns. So Mina and me.

इसको यूज करना है आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद इज इट अंडरस्टूड कल्पना जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है मीना फर्स्ट सब्जेक्ट है यू फर्स्ट सब्जेक्ट है तो हम लोगों ने ये नहीं कहा आई एंड कल्पना ओके आई एंड मीना आई एंड यू वी हैव टू यूज इट दिस वी हैव टू यूज आई आफ्टर फर्स्ट प्रोनाउन

लेकिन पहले से भी फर्स्ट में तो नहीं है यहाँ पे है कि नहीं इस जगह पे तो नहीं है कुछ है उसके आगे तभी यू एंड मी लिखा हुआ है तो यू हैव टू कीप इन माइंड जब भी प्रपोजिशन आगे हो प्रनाउन के तब हम लोग यूज़ करेंगे मी और जब भी इज़ या फिर वर्व हो तब भी हम लोग ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे मी अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइजेस के थ्रू वेदर इट इज़ क्लियर टू यू ऑल और नॉट तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ मुमकिन नहीं है सीखने के बाद में उसको अगर प्रैक्टिस में नहीं लाएं तो जो सीखा हुआ चीज़ है वो भी भूल जाते हैं और हम लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम लोग को कितना आता है और कितना नहीं इन जनरल लैंग्वेज कितने पानी में है हम लोग ये नहीं पता चलता इसलिए हम लोगों को कोशिश करना है मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और अपना स्किल्स को रिफाइन करें तो चलिए मैं आपको लेके जाती हूँ एक्सरसाइज के, के पीपीटी में तो चलिए कुछ एक्सरसाइजेस करने से पहले मैं कुछ रूल्स बता दूँ आई जब भी यूज़ होता है सेंटेंस में तो वो सब्जेक्ट के काम आता है सब्जेक्ट का काम करता है और जब भी मी आप सेंटेंस में देखेंगे तो वो होता है ऑब्जेक्ट आई काम करता है मी रिसीव करता है काम को ठीक है तो चलिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपके सामने रख रही हूँ मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपके सामने रख रही हूँ वो आपको फिल अप करना है ठीक है सो हियर इट इज माई फ्रेंड एंड डैश planned दी पार्टी माई फ्रेंड एंड डैश यहाँ पे आप इसको हाइड कर दीजिए और देखिए क्या यूज़ होगा डैश प्लान दी पार्टी आई the party बिकॉज यहाँ पे कौन काम कर रहा है आई एंड फ्रेंड्स है ना? तो आई तो हम लोगों को पहले नहीं लिखना है बाद में लिखना है माई फ्रेंड एंड आई planned दी पार्टी यहाँ पे काम कौन कर रहा है आई My friend and I, ठीक है ये जो कंपाउंड pronoun है वो काम कर रहा है इसलिए ये हो गया सब्जेक्ट राइट नेक्स्ट दिस ड्रेस does नॉट फिट यहाँ पे क्या होगा आई या फिर मी यहां पे होगा मी ओके दिस ड्रेस does नॉट फिट मी ओके Next, here, me is receiving the action from here, therefore, it's object of the sentence. Here we had used subject. Wreath and I met the client today. Wreath and I will fit here, not me. Wreath and me met the client today will be wrong sentence. Okay, wreath and I now, why we are using I? It is because I is performing as a subject of the sentence and it is at the initial words, initial position of the sentence, therefore it is a subject. Next, wreath, meet, and dash work together. Wreath, meet, and I work together. It is because कितने भी इंसान के नाम या कोई भी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आए लेकिन लास्ट में हम लोग जब यूज़ करेंगे एंड के बाद में तो वो आई ही होगा क्योंकि जितने भी मल्टीपल प्रोनाउंस हैं उसके बाद फॉलो होना चाहिए आई ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं रीत एंड आई मेट दी क्लाइंट टुडे रीत एंड ब्लैंक

कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यूज करना है आई क्योंकि आई ही सब्जेक्ट है मी है ऑब्जेक्ट ठीक है और यहाँ पे स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं हम लोग आई को इसलिए आई स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं इसलिए ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को सेंटेंस के फर्स्ट पोर्शन में होना चाहिए ओके शी कॉल्ड डैश यस्टरडे she called me yesterday, okay she called me yesterday. आई नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये सब्जेक्ट का पोर्शन है शी एंड आई ओके ये दोनों जो है वो सब्जेक्ट का सेक्शन है और हम लोगों को सब्जेक्ट में आई यूज़ करना है क्योंकि आई स्टार्टिंग में रहता है मी लास्ट में रहता है नेक्स्ट Okay, let's move to the next sentence. Is this for dash? Now, what will fit here? I or me? There are so many clues out here. Number one is preposition. I had already told you all, whenever there is preposition, we have to use me. Just by closing your eyes, you can write me and you will never go wrong. Okay? And another clue is that this is receiver of the action it's receiving the action is this for me okay here me is receiving the action therefore me will fit here is this for me okay bob and i dash are leaving early bob and i are leaving early because these two are the subject of the sentence bob and i are leaving early okay let's move to the last one they thanked dash numerous times they thanked me numerous times okay let's move to the last word they thanked they thanked dash numerous times they thanked me numerous times now here this is object and they is the subject ओके दे आर डूइंग द एक्शन दे आर थैंकिंग मी ओके दे आर थैंकिंग मी सो दे आर डूइंग द वर्क एंड आई एम रिसिविंग देफो इट इज़ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ सब्जेक्ट सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल द टॉपिक बहुत ही ईजी लगता है लेकिन जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं एनालाइज करने के लिए कि हम लोगों को कौन सा यूज़ करना है आई या फिर मी तब हम लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं ये यही कन्फ्यूजन जो है वो हम लोगों को होता है जब हम लोग बोलते हैं आई एम रोशनी एंड माई सेल्फ रोशनी कभी भी माई सेल्फ रोशनी मत बोलिए क्योंकि आई एम रोशनी ग्रामेटिकली करेक्ट है नॉट माई सेल्फ रोशनी इंटरव्यू में तो आप कान पकड़ लीजिए कि माई सेल्फ रोशनी मत बोलिए जैसे ही बोलेंगे आपका जॉब कैंसिल हो जाएगा जो भी मिलने के चांसेस थे वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इंग्लिश जहाँ पे ज़रूरत है इंग्लिश जहाँ पे ज़रूरत है अगर वहाँ पे इसका करेक्ट यूज़ ना दिखता हो तो पूरा कंपनी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है ओके okay? तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स लेट मी राइट डाउन द एंटायर आंसर हियर, आई, मी I, I, she called me. Is it for me? Bob and I, they thanked me. Okay, so these are the answers to your question or blanks. फ्रेंड्स इसको याद रखने के लिए मैं आपको छोटा सा हुक देती हूँ मेमोरी हुक जिसको बोलते हैं यू हैव टू रिमेम्बर आल कॉल यू और यू कॉल मी ठीक है आई आल कॉल यू और यू कॉल मी आई एल आई हियर इज सब्जेक्ट एंड मी आउट हियर इज ऑब्जेक्ट ओके सो आशा करती हूँ कि मैं आपको जो टॉपिक है वो क्लियरली बता पाई अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझ में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं हिंदी जो है वो बोलने की कोशिश कर रही हूँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अप्स एंड डाउंस हो सकता है लेकिन आई रेक्टिफाई दैट इन ड्यू कोर्स प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा टॉलरेट कीजिए और गलत अगर कहीं पे मैं बोल रही हूँ तो आप लोग फ्रीली मुझे बताइए ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूँ Let's meet in another video with another topic. Thank you everyone.